हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एकेडमी हब। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड, कि इसके फिजिकल के बारे में, जो 1 अप्रैल को आज जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के बारे में, कि उस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया, और एक बहुत बड़ी अपडेट है। और उस अपडेट को जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल सके। और रेड बटन के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो दिल्ली पुलिस की मीटिंग हुई है वो सारे अधिकारियों की हुई है, कि उस अधिकारियों में मतलब कौन कौन अधिकारी होगा ग्राउंड में, कौन से ग्राउंड में कौन अधिकारी होगा, किसकी ड्यूटी लगेगी, जो भी कुछ है इसके बारे में हुई है। ग्राउंड्स को लेकर बात हुई, ग्राउंड्स कितने तैयार हो चुके हैं, कहाँ कहाँ हो गई, मतलब ये सब चीज़ें होकर इसकी जो मीटिंग हुई है, फिजिकल को लेकर ही उनकी मीटिंग हुई है। अपना जो प्रोसेस होगा उनका, यही मीटिंग हुई है। और जो आपको पता है, हमने आपको फिजिकल की डेट के बारे में पहले ही बता दिया है। अगर नहीं देखी हो आपने हमारी वीडियो, तो हमारे आई बटन में जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं और अपने फिजिकल की डेट देख सकते हैं। और यहाँ पर जो एक बड़ी अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है, कि जो आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो 9 से 10 अप्रैल के में डाउनलोड हो जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। मुझे आशा है कि आपकी प्रिपरेशन फिजिकली बहुत अच्छी चल रही होगी।